नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 33वें दिन में पहुंच गया है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब अगले दौर की बातचीत 30 दिसंबर को होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का पत्र लिखा है। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने अपनी शर्तों के साथ केंद्र सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत के लिए पत्र लिखा था। किसानों के पत्र पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। दरअसल किसान संगठन अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि नए कृषि कानून रद्द हो, जबकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये कानून किसानों के हित में है। किसान फिर से इन पर विचार करें। किसान और सरकारों के बीच में बढ़ते गतिरोध के साथ एक बार फिर से ये बातचीत का रास्ता खुला और अब देखना होगा। इसी खबर पर मेरे सहयोगी ब्रिजेश पांडे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, पहले 29 दिसंबर की बात आई थी, क्योंकि किसानों की तरफ से 29 दिसंबर को बातचीत की बात कही गई थी, पत्र लिखा गया था, और अब केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। ब्रिजेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है। एक बार फिर कोशिश करेंगे ब्रिजेश से संपर्क साधने की, ताकि और जानकारी इस पर जुटाई जा सके। लगातार जो किसान संगठन है वो पहले नकार रहे थे बातचीत को। एक बार फिर हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश पांडे यहां पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, किसानों की तरफ से अब 29 की बात कही गई थी और अब सरकार की तरफ से 30 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। बिल्कुल, आज एक बेहद अहम मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ, जिसमें पीयूष गोयल जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और उसके साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। और इस मीटिंग में किसानों से मिलने में क्या बातचीत की जाएगी और किसानों की मांग पर सरकार का क्या रुख रहेगा, जो किसानों की नई मांग है उसको लेकर एक स्ट्रेटजी मीटिंग हुई है और वो मीटिंग अब समाप्त हो गई है। किसान एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखकर किसानों से कहा है कि अब वो 30 तारीख को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि क्या किसान सरकार की मांग को मानते हैं या कोई नई डेट सामने रखते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, 30 दिसंबर की ये बैठक बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि जहां केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि किसानों के हित में ये कानून है, वहीं किसानों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी 4 मांगे भी रख दी है, तो बहुत दिलचस्प ये बैठक रहने वाली है कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, किसानों ने एक चीज साफ कर दिया है कि अब वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है जिससे इन तीनों कानून को, कृषि कानून को निरस्त किया जा सके। और इसके अलावा ये भी सरकार जानना चाहते हैं सरकार से कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है किसानों और सरकार के बीच, उसको लेकर भी सरकार क्या करना चाहती है। और इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कब तक करेगी सरकार, उससे वो एक गाइडलाइन चाहती है। तो इससे स्पष्ट है कि किसान अब एक आक्रामक रुख तैयार कर रहे हैं इस मीटिंग में, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसानों की मांग का सरकार के पास क्या जवाब होता है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की जो नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग है, उसको लेकर किसानों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था 29 दिसंबर का, और अब सरकार की तरफ से 30 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। अब 30 दिसंबर को क्या कुछ रहता है वो दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब दोनों ही अपनी तरफ से अड़े हुए हैं और अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा।